अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे इंशाल्लाह। आज मैं कुंवारी लड़कियों के टॉपिक पे बात करूँगी, कुंवारी लड़कियों के लिए। अभी हफ्ते दिन पहले एक बहन ने मुझे पर्सनली मुझे मैसेज किया, लिखा कि मेरी मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है। इस मौजू पर मैं लिखूँ क्या, शादी से पहले शादी के बाद वाली ज़िंदगी के लिए क्या तैयारियाँ करूँ ताकि मेरे बसने वाले घर को खुशियों से आबाद रहे। मेरी बहन एक खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी के बुनियाद अच्छी तरतीब तरबियत होती है जो वालिद को करनी होती है। लड़का लड़की की तरबियत अच्छी हो तो मसाल आज़ाद जी ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर तरबियत अच्छी ना हो तो आज़ाद ज़िंदगी में बड़ा नुकसान होता है। बहरहाल, जो बुनियादी तरबियत जो होती है वालिदैन को करनी होती है, लिहाजा हम यहाँ जो हमें जो करना है वो सिर्फ इतना ही करना है। लोगों की इज्जत है और अच्छी अखलाक की ज़रूरत है। उस बहन ने बहुत ही दिल से कहा था कि ज़िंदगी आबाद किस तरह से होगी। कितनी खूबसूरत अल्फाज उस बहन ने कही थी कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारूँ जो मेरे ससुराल बसने वाला घर खुशियों से आबाद रहे। तो हर बहन को चाहिए कि इस तरह से सोचे और इसी तरह से लेकर चले, क्योंकि हमारा जो असल घर होता है वो होता है ससुराल। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको अच्छी लगी होगी। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।